अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे YouTube फैमिली। आज मेरे इस किचन में बन रहा पे है आलू वाले परांठे। ये मैंने एक किलो एक पाव आलू लिए थे, अभी मैंने उबाल लिए। अभी मैं इसके मसाले मसूले डाल के फिर आप लोग को बताती हूँ। मसालों में इधर देखें, जीरा पाउडर एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च एक चम्मच, दड़ा मिर्च एक चम्मच, जीरा भर के एक चम्मच। बिस्मिल्लाह, ये इधर चले गए, अभी आए। एक चम्मच भर के चाट मसाला, नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक, काला नमक, गरम मसाला, मिक्स मसाला जिन्होंने कहते हैं, ये गरम मसाला। अच्छा, ये अदरक एक चम्मच भर के कुटिया दा, काला मिर्च पतीना नाल, धनिया जिसको मैंने पीस लिया, अच्छी तरह चटनी बना ली इसकी। अभी जाएगा सफेद धनिया, अभी जाएगा एक प्याज, दो तीन हरी मिर्चें, एक सुरख मिर्ची मेरे पास, मैंने वो डाल ली हल्की छोट चॉप करके। ये देखो, ये मैंने गंदम का आटा ले लिया, अभी मैं इसको गूनूंगी, गून के फिर परांठे बनाऊंगी। ठीक है, ये इसमें सिर्फ गंदम का आटा है, पका गंदम का, चाहे तो नमक भी डालें चाहे तो ना डालें, आपकी मर्जी है। मैं तो नहीं डालूंगी, तो गंदम का आटा है। ये अभी मैं गूनती हूँ फिर बताती हूँ। चाहे जितना मर्जी बड़ा कर लें, लंबा कर लें, मगर जिस तरह मर्जी बनाए, नहीं टूटेगा नहीं। अच्छी यदि सेटिंग की थी होगी ना, तो कभी भी नहीं।
ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का और करारा करारा बने, और क्या कितना मज़े का बने। ये इसी तरह मैं सारे बना लूँगी, अगर इसी तरह मैं सारे बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। चार के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं। ये मेरी छोटी सारी रेसिपी है, अगर अच्छी लगे शेयर करना अपने दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ढेर सारियां दुआओं के साथ मुझे दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खाओ पियो मज़े करो, मैं आप लोग को चख के बताती हूँ। बिस्मिल्लाह, अगर खाएं पिए मज़े करें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े।